अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलियम मज़हर अलअजाइब, तजिदहु औनन लक फिन नवाइब, कुल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअलीयिन बिअलीयिन बिअली। करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मस्कन, मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम का मरकज़। आइए करबला मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सीने पे हाथ रख के दिलों की धड़कनों को फिदाए तुराब बू तुराब करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर की तरफ रुख कर लीजिए। आइए सलाम पेश करते हैं मौला की बारगाह में। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमा अज़्ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين السلام عليك يا قطيع الكفين السلام عليك يا حجاب زينب السلام عليك يا باب الحوائج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मौला की पाक सरजमीन पर आप सबको खुश आमदीद अर्ज़ करता हूँ। हमारा प्रोग्राम ये करबला है और रोज़ाना की तरह आज भी आपकी खिदमत के अंदर हाजिर खिदमत है। मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपना वसीला करार देते हुए यह मेरा प्रोग्राम रोज़ाना आप निगाह करते हैं, देखते हैं, मुलाहिज़ा फरमाते हैं। प्रोग्राम का वक्त इराकी टाइम के मुताबिक 7 बजे है नमाज मगरिबैन के बाद, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे हो जाता है, और इंडियन टाइम के मुताबिक 9:30 बजे हो जाता है। 45 मिनट दौरानी का प्रोग्राम ये रोज़ाना आपकी खिदमत में मौला के बेहतरीन मिदहत खानों को लेकर आता है, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करके आपके दिलों को महजूज़ फरमाते हैं। हमारे प्रोग्राम की आज किस्त नंबर 319 है, और जिस तरीके से आप जानते हैं 13 मुहर्रमुल हराम का दिन है आज, और 2 सितम्बर हो गई है, और इस एतबार से कि 13 मुहर्रमुल हराम
बनी असद के कारवान करबलाए मौला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दफन के लिए गिरोह दर गिरोह आते हैं। गो कि आजकल सादात और गैर सादात के मुख्तलिफ कबीले भी इस प्रोग्राम में उसी तरीके से जिस तरह बनी असद का एक तरीक़ेकार था शरीक होते हैं, लेकिन वो याद जो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे दिन बनी असद के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दफन के लिए करबलाए मौला में मट्टी को कुदाल और इस किस्म की चीज़ें लेकर आए थे, आज भी बनी असद अपने बच्चों अपनी ख़वातीन और अपने मर्दों के साथ यहाँ पे पूरा कबीला इनका बहुत ज़्यादा तादाद है जो आजकल आते हैं और मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। मट्टी में मिल गए इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को मिटाने की लोगों ने मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ अंदाज में कोशिशें की, आज भी जारी हैं। जो हक और ना हक को नहीं समझते एक मरतबा, दूसरी मरतबा जो हक और ना हक को मानना ही नहीं चाहते या समझना ही नहीं चाहते, उनके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत मुबहम है। उनके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाती अक़दस के बारे में कोई ऐसी अच्छी राय नहीं है, क्योंकि अच्छी राय होने से मुराद ये है ना कि उनके दुश्मन से भी नफ़रत की जाए। अगर उनके दुश्मन से नफ़रत नहीं की जाती, इजहार बेजारी नहीं किया जाता, तो इसका मतलब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए उनके दिल के अंदर कोई अच्छा नज़रिया नहीं है। क्योंकि अच्छा नज़रिया होना यही है ना, अच्छे के दुश्मन से दुश्मनी की जाए, अच्छे के दोस्त से दोस्ती की जाए, और जो दुश्मन हो उसे भी हम अच्छा ही कहने लग जाएं, ना ख्याल रखें सहाबियत का, ना पासदारी रखें नबी के नवासा होने की, ना ख्याल और पासदारी रखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोष पे खेले, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में हैं उनको भी हम ध्यान में ना लाएं। इसका मतलब है कि हमारे दिल के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुतालिक कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं पाई जाती, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के किरदार को अखलाक को बहुत अच्छे अंदाज में पेश करें, ताकि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के अखलाक किरदार को उजागर कर सकें। अगर यही बात देखी जाए कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, तो क्या ही अच्छा है। एक शेर जो कि शोरिश कश्मीरी साहब ने कहा है, सोचता हूँ कि उसी कौम के वारिस हम हैं जिसने औलाद पैगंबर का तमाशा देखा। यानी जब ऐसी कैफियत हो जाए कि हमारे दिल के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर्द को अपना दर्द समझने की कैफियत ना हो, तो हम उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिसने सादात के खेमों की तनाबें तोड़ी, जिसने लखते दिल हैदर को तड़पता देखा, बरसरे आम सकीना की नकाबें उल्टी, लश्कर हैदर कर्रार को लुटता देखा, उम्मे कुलसूम के चेहरे पे तमाचे मारे, शाम में ज़ैनबो सुग्रा का तमाशा देखा, शाही कौनैन की बेटी का जिगर चाक किया, सिप्ते पैगंबर इस्लाम का लाशा देखा, दीदाए कासिम अब्बास के आंसू लूटे, कल्ब पे आबिद बीमार के चरका देखा, तोड़कर अकबर व असगर की रगों पर खंजर, जोरे दौरा का बहीमाना तमाशा देखा, भाई की नाश से हमशेर लिपट कर रोई, फौज के सामने शब्बीर को तन्हा देखा, फाड़ के गुंबदे खुजरा के मकी का परचम, अर्श से फर्श तलक हश्र का नक्शा देखा, कल्बे इस्लाम में सदमात के खंजर भौंके, कल्बे इस्लाम में सदमात के खंजर भौंके, करबला में कफे कातिल का तमाशा देखा, अबू सुफियान के पोते की गुलामी कर ली, खुद फरिश्तों को दिनायत से पनपता देखा, ऐ मेरी कौम तेरे हुस्न कमालात की खैर, तूने जो कुछ भी दिखाया है वही नक्शा देखा, ये सभी क्यों है ये क्या है मुझे अब सोचने दे,
ये सभी क्यों है, ये क्या है, मुझे अब सोचने दे, कोई तेरा भी खुदा है, मुझे अब सोचने दे, कोई तेरा भी खुदा है, मुझे अब सोचने दे। सिप्ते पैगंबर के कातिलों से मोहब्बत का इजहार करना यकीनन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आले रसूल का लोगों के दिमाग के अंदर, लोगों के दीन के अंदर, लोगों की फिक्र के अंदर क्या मकाम है। मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमें इस बात का दर्स देती है कि मवद्दत का अज्र अदा करना है तो आले रसूल के दुश्मनों से, आले रसूल के कातिलों से, आले रसूल को दरबारों में फिराने वालों से, आले रसूल पर जुल्म करने वालों से, आले रसूल को कैद व जिंदान में रखने वालों से, आले रसूल को बेरिदाओ बेमकना बाजारों दरबारों शहर शहर फिराने वालों से हम बेजारी करें, उन पे तबर्रा करें, उन पे लानत करें। क्योंकि रसूल की मोहब्बत का हक ये है कि जहाँ पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा, अल्लाह ताला ने उस शहर की कस्में खाई हैं। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला की निगाह अकदस के अंदर बहुत बुलंद मकाम रखते हैं। तो जो रसूल के कदम रखने का मकाम हो इतना बुलंद है हमारे फिक्र व शऊर के अंदर, न जाने वो आल जो रसूल के दोष की सवार होगी उनका क्या मकाम होगा। लिहाजा उनके दुश्मनों से लानत ना करना, उनके दुश्मनों पर लानत ना करना, उनके दुश्मनों से बेजारी ना करना, ये काबिले गौर काबिले फिक्र और एक नहायत ही अजीब लम्हा फिक्रिया है कि हम सोचने पर मजबूर हैं कि मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आज किस मुश्किल में मुबतला हैं। अल्लाह तबारक व ताला जहाँ कहीं भी मोमिन मुस्लिमीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले नासज़ा कैदों में और बग़ैर किसी जुर्म के कैदों में मुबतला हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द रिहाई अता फरमाए और मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहकर दीन का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये दीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दीन है, ये दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, ये दीन अल्लाह का दीन है जिसे बचाने के लिए आले रसूल ने न जाने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। और ये करबला वाले बहुत ही बुलंद मकाम हैं, थे और रहेंगे। कमाल सब्र का पैकर थे करबला वाले और इसमें सारे बराबर थे करबला वाले, लपकते शोले थे सारे यजीदी फौजों पे, गिने तो सिर्फ 72 थे करबला वाले, गिने तो सिर्फ 72 थे करबला वाले। करबला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बुलंद मकाम को आश्कार करने का मरकज है, करबला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सब्र को आश्कार करने का मरकज है, करबला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के उस मार्के का मकाम है जिसके बाद यजीदियत हमेशा तड़पती रहेगी। पूछो यजीद से कि तेरा राज कहाँ है, वो खून से आलूदा तेरा ताज कहाँ है, जिंदा है हुसैन इब्ने अली जिंदा रहेगा, लानत के सिवा जिक्र तेरा आज कहाँ है, लानत के सिवा जिक्र तेरा आज कहाँ है। यह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र हमेशा रहेगा और अल्लाह ताला ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जिक्र को हमेशा ज़िंदा रखना है। और इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जिक्र को आम करने के लिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की फ़िक्र को आम करने के लिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मारिफ को आम करने के लिए आपके हुजूर गुफ्तगू शनीद जारी रखी जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर करबला मौला बैनुल हरमैन बहुत मुकद्दस मकाम जहाँ पे आने के लिए मोमिनी तड़प रहे हैं। काफ़ी दुआओं के लिए कहा बैनुल हरमैन में, काफ़ी दोस्तों ने आज भी दुआओं के लिए कहा, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ। मुख्तलिफ ममालिक से दुआ के लिए कहा गया कि ज़्यारत के लिए दुआ कीजिए कि 40 पे ये पाबंदी ख़त्म हो जाए ताकि हम करबला मौला आएँ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़्यारत कर सकें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के लिए कुरान मजीद में काफ़ी सारी आयात आई हैं।
जिनमें से एक तो काफ हा या ऐन साद की आयत भी, ये दो आयतें तकरीबन इसके बाद वाली आयत में भी मासूम का जिक्र है। बहरहाल ये हरूफ मुकत्तियात में जो जिक्र आया वो मुत्तफिकुन फीह, यानी सब मुत्तफिक हैं इसके ऊपर, हर मजहब हर मकतब फ़िक्र के लोग जो कि मुख्तलिफ मकातिब से ताल्लुक़ रखते हैं, सबका इस पर इजमा है कि काफ से करबला, हे से हलाकत है, ये से यजीद है, ऐन से अलअतश है, स्वाद से सब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद है। इसी तरीके से और आयात भी कुरान मजीद में वारिद हुई हैं, जिस तरीके से आयात के अंदर सूरह कौसर का एक मिसदाक मासूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी हैं, इसी तरीके से सूरत जो पूरी नाजिल हुई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस्म मुबारक पर, उस सूरत का नाम है सूरह फज्र। सूरह फज्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से मंसूब नहीं बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम है। इस सूरत का नाम ये भी रिवायात में आया है कि सूरत का नाम ही सूरतुल हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम दिया गया है, और सूरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होने के एतबार से ये सूरत बहुत ही बुलंद मकाम की और बहुत ही बड़े मर्तबे की हामिल है। और हुक्म हुआ इस सूरत को नमाज फज्र की पहली रकत में पढ़ा जाए, पहली रकत में पढ़ा जाए, क्योंकि इस सूरत के पढ़ने से नमाज का सवाब चंद बराबर हो जाता है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने भी जिस तरीके से अपने साहबी से फरमाया, क्या तुम सूरत हुसैन पढ़ते हो, कहने लगा वो कौन सी है सूरत, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही जो जिसे तुम सूरह फज्र के नाम से जानती हो, ये सूरत वल फज्र से शुरू होती है, ये सूरत हुसैन अलैहिस्सलाम है। इसके आखिर के अंदर आप ख़ुद भी देखते हैं जो हमारे उलमा खुतबा ज़ाकिरीन पढ़ते रहते हैं कि इसके आखिर में जिस तरीके से या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्न तुर्जी इला रब्बे के राज़ियतम मर्दिया, ये वाली आयत जो है, ए नफ्स मुतमईन्न अपने परवरदिगार का परवरदिगार की तरह लौटा राज़ी और मर्ज़िया होकर, यानी तू अल्लाह से राज़ी हो जा। हर शख्स कोशिश करता है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस सूरत ने हमें बताया कि हम अल्लाह से राज़ी होने की कोशिश करते हैं वो और लोग हैं, और जिनसे अल्लाह राज़ी होना चाहता है, अल्लाह चाहता है कि वो अल्लाह से राज़ी हो जाए, अल्लाह से राज़ी हो जाए वो और ज़वाते मुकद्दसा हैं। लिहाजा अल्लाह ताला जिनकी रज़ाएँ तलब करता है वो अहले बैत का घराना है, जिनका घराना अल्लाह की रज़ाएँ तलब करता हो और अल्लाह उनकी रज़ाएँ तलब करता हो, उनका मकाम किसी दुनियावी बादशाह के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, उनका मकाम अल्लाह ताला ने बुलंद रखा है। इसी तरीके से जिस तरीके से आयत मुबाहला के अंदर जहाँ पे पुकारा गया है अल्लाह तबारक व ताला ने ईसाइयों के मुकाबले में, नसारा नजरान के मुकाबले में, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए थे बल्कि नसारा नजरान ने पुकारा था कि आइए आप, हम मुबाहला करते हैं, आप हक पे हैं या हम हक पे हैं, तो आयत नाजिल हुई फ़मन हाज जा का फ़ी है मिन बाद मा जा का मिन अल-इल्म फ़कुल तआलो नदउ अबना आना व अबनाकुम व निसा आना व निसाकुम थुम्मा नबतहिल फ़नजअल लअनत अल्लाह अलल काज़िबीन। इसमें जो अबना आना व अबनाकुम की ये एक हिस्सा आया है, ये अल्फाज आए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेह अपने साथ अबनाकुम में इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को नहीं लेकर गए थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये इस आयत के हिसाब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ में भी नाजिल हुई है। और एक और आयत जिसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारा बच्चा बच्चा जानता है, वो आयत तत्हीर है। आयत तत्हीर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ में भी नाजिल हुई है, क्योंकि आयत तत्हीर जब नाजिल हुई है अस्हाब किसा किसा के नीचे थे, और ये किसा कोई आम किसा नहीं थी, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की किसा यानी चादर थी। इस चादर के नीचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बीवी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं। तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल हुई है
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला ने इनको ऐसा पाकीज़ा कर दिया है जैसा पाकीज़ा करने का हक है, जो इतने पाकीज़ा हों जिन्हें अल्लाह ताला पाकीज़गी की सनद देता हो, यानी ऐसा पाकीज़ा कर दिया है जैसा पाकीज़ा करने का हक है। एक पाकीज़गी वो है जिसे हम अंजाम देते हैं, वो हमारे कुदरत और तसल्लुत और इख्तियार के मुताबिक है, लेकिन वो पाकीज़गी जिसे अल्लाह पाकीज़गी करार दे, यकीनन उसके बाद कोई ऐसी तहारत नहीं बच जाती जो कि इनमें ना हो, कोई ऐसी खूबी नहीं बच जाती जो इनमें ना हो। लिहाजा हर खूबी इनके अंदर मौजूद है, हर तहारत इनके अंदर मौजूद है, जिन्हें अल्लाह सच्चा होने की दलील दे, जिन्हें अल्लाह ताहिर व पाकीज़ा होने की दलील दे, जिनकी मवद्दत को इन कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं अजरे रिसालत तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, फकत मांगता हूँ तो मवद्दत फिल कुर्बा तुमसे मांगता हूँ, जिनकी मवद्दत को अजरे रिसालत करार दिया जाए, यकीनन वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम किसी आम शख्स जैसे नहीं हो सकते। उनके मुकाबले में आने वाले शख्स का दिफा करना यकीनन अकल से भी बईद है, शऊर से भी बईद है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक फरमान हमारे हुजूर गुजरता है, जिसके अंदर मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लिकुल शैइन सवाबुन इल्ला दमअतुन फीना, यानी हर चीज़ हर आंसू का हिसाब व किताब है, मगर वो आंसू जो कि हमारे लिए बहाया गया हो उसका मकाम रुतबा कोई शुमार ही नहीं कर सकता, यानी वो बेहिसाब है, उसका हिसाब ही कोई नहीं है। और इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ में काफ़ी सारी अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम से वारिद हुई हैं। देखें, एक तो मोहब्बत का तकाज़ा ये होता है कि जिससे मोहब्बत की जाए ना उसकी से मुतालिका हर चीज़ से मोहब्बत की जाए, महबूब जिस जगह कदम रखे उस मकाम का एहतराम किया जाए, जिस कलाम को मासूम महबूब ने अंजाम दिया हो अदा किया हो उस कलाम का एहतराम किया जाए, और जिसका एहतराम करने का कहा हो उस महबूब ने उसका एहतराम किया जाए। हमारे मोहब्बतों के मरकज़ व महवर हैं नबी करीम अज़ीम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जगह उन्होंने कदम रखा है हमारे लिए मोहतरम है, जो अमल करके दिखाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हमारे लिए मोहतरम है, और जिस अमल के करने का हुक्म दिया है वो भी हमारे लिए मोहतरम है, और जो रसूल से निस्बत रखते हैं वो भी हमारे लिए मोहतरम है, और जो निस्बत पैदा कर लें जिस तरीके से कदम रखा सरजमीन मदीना हो गई वो मोहतरम है, जिन्होंने रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी की वो हमारे लिए मोहतरम है। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून भी हो, नबी के सहाबी के का रुतबा भी उन्हीं के साथ मुअय्यन हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका एहतराम करने का भी हुक्म दिया हो, जिनकी मोहब्बत अजरे रिसालत हो, उनका एहतराम किस तरीके से कम हो सकता है। यकीनन जितने स्टार्स होते हैं ना, सितारे लगे होते हैं किसी शख्स के साथ, एक सितारा दो सितारे मसलन, इसके अंदर खूबी क्या है, ये शख्स एक अच्छा इंसान है एक सितारा हो गया, ये इंसान पाकीज़ा है दूसरा सितारा हो गया, ये इंसान नेक सीरत है एक और सितारा, ये हाफिज़े कुरान है ये एक सितारा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं एक और सितारा, इसी तरीके से ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से भी हैं एक और सितारा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलके रसूल के दीन के हक में जिहाद करने वाले एक और सितारा हो गया, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक का दिफा करने वाले एक और सितारा हो गया, इसी तरह सितारे जमा होते रहे, सब सितारे एक तरफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजर रिसालत होने का सितारा एक तरफ, ये सारे सितारे मिल गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हो गए, ये और सितारे हो गए, ये सितारे ऐसे हैं कि ये इतने बड़े सितारे हैं कि इनके दर के ऊपर सितारे आके सजदा रेज होके बताते हैं कि इन जैसा सितारा किसी के पास नहीं है। ये वो है जो इस्लाम के मुकद्दर का सितारा है, ये वो है जो दीन की पेशानी का सितारा है, ये वो
रोशन चराग हैं जो दीन को रोशन करके लोगों को दिखाते हैं। ये वो चराग हिदायत हैं जो सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाते बल्कि रास्ते के मंजिले मकसूद तक भी पहुंचाते नजर आते हैं। इनका मकाम, इनका रुतबा, इनकी इज्जत, इनका एहतराम जमीन व आसमान में बुलंद है। अल्लाह ताला ने इन्हें बुलंदी ये मर्तबा अता फरमाई है। जमीन के अंदर देखिए जहां कहीं भी अक्ल व शऊर रखने वाले हैं वो इनका एहतराम करते हैं, और जहां कहीं भी आप देखेंगे कि अक्ल व शऊर है वहां पे अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत वाजिब और औजब है। दुनिया के मुख्तलिफ मजाहिब के लोग देख लीजिए, जिस शख्स ने नबी से मोहब्बत की वो आखिर में मजहब हक्का को कबूल करने पर मजबूर हो गया। जिसने सैयदा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के हक को पहचान लिया वो बातिल अकीदों को छोड़ के हक की तरफ दौड़ता हुआ आता नजर आता है, क्योंकि उसे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने वो नूर हिदायत इनायत फरमा दिया है कि इसके बाद कोई गुमराही बच ही नहीं जाती, क्योंकि कुरान अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ है। अहले बैत कुरान के साथ हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम जमीन व आसमान में कुरान के साथ रहेंगे, क्योंकि ये कुरान नातिक हैं। ये जो बोलते हैं कुरान बोलते हैं, ये जो करते हैं कुरान के साथ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के बेहतरीन पढ़ने वाले नुहा मनकबत खान सैयद अतहर अली पटना बिहार इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सेहत दें। करबलाए मौला बैनुल हरम में मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप मुखातिब हैं। चाहूंगा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम पे हमारी महफिल को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी मैं शुक्रगुजार हूँ आपका जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस जिक्र अहले बैत करने का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका मौला सलामत रखे। मैं कलाम पेश कर रहा हूँ बावाज़े बुलंद अरे सलावात ज़ैनब बबू तुरा की जीता है। ज़ैनब बबू तुरा की ज़ीनत का नाम है। ज़ैनब इमाम तो की अमानत का नाम है। ज़ैनब अली के खू की तहारत का नाम है। ज़ैनब हुसैनियत की जरूरत का नाम है। माना वजूदे शाह पूरी है कर्बला। ज़ैनब अगर न हो तो अधूरी है कर्बला। ज़ैनब अगर न हो तो अधूरी है कर्बला। कुरान हुस्न पाया है इनके बयान से। आई अली बयान से जहरा के दर से उतरी किताब हक की तरह आसमान से। आयदा के दी किस्मत गई और आके घर में नहजे बला उतर गई। और आके घर में नहजे बला उतर गई।
ज़ैनब हुस्न के लिए उल्फत की इंतहा, एक दूसरे से रह नहीं ते खुदा, इस राज से खाली इसने सदाए खुन से भी पहले ये तह किया, नूरे नजर जहां है वही नूरे ज़ैनब, अगर बहन हो तो भाई हुसैन हो, ज़ैनब अगर बहन हो तो भाई हुसैन हो। नोके सिना पे कारिये कुरान से पूछ लो, ज़ैनब की अजमत अहमदा से पूछ लो, तो फ़क़्र रसूला से पूछ लो, फिर भी यकीना आए तो यज़दा से पूछ लो, एहसान दो दे बतूल का, एहसान दो जहां पे है बिलते बतूल का, ज़ैनब के दो से बाकी कलमा रसूल का, ज़ैनब के दो से बाकी है कलमा रसूल का, सर पर रिदाए शान लिए हुए थे, शुहया में अशको तूफान लिए हुए, आहे शहीद आए हुए, यजीद का आमल हुए, बैत के तालबान का खुलिया बिगाड़ते, ज़ैनब चली है कुफ्र की दुनिया उजाड़ने, ज़ैनब चली है कुफ्र की दुनिया उजाड़ने, नूरे निगाह दिल बरे शबर की शक्ल में, ओनो मदली की शक्ल में, नूरे नजर शबी है पयोंबर की शक्ल में, अब्बास बावफा से दिलावर की शक्ल में, कर वो बुला के वास्ते ढाल कर, हर उम्र का अली दिया ज़ैनब ने पाल कर, हर उम्र का अली ज़ैनब ने पाल कर, आपका वक्त बाकी है, अगर कुछ और इनायत फरमाना चाहें तो साहिब इख्तियार हैं आप, बिस्मिल्लाह कीजिए। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। ये थे हमारे साथ नौह मुनकबत ख़ान सैयद अतहर अली पटना बिहार इंडिया से। मौला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। ये जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम आपको दुनिया व आखरत में नजात इनायत फरमाए और आप अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुर्ब
हमेशा हासिल करते रहें। दुआ गो हूँ जल्द करबला आएँ। जब भी करबला आइएगा हमारे प्रोग्राम को ना भूलिएगा, कोशिश कीजिएगा आने से पहले इत्तला दे दें ताकि आप लाइव हमारे प्रोग्राम में शरीक हो सकें। ये सब दोस्तान जो शरीक होते हैं उन सब के लिए यही मैं अर्ज़ करूँगा, आपका जब भी प्रोग्राम बने महीना डेढ़ महीना पहले हमें खबर दे दिया करें कि आप आ रहे हैं ताकि आप लाइव प्रोग्राम में हमारे शरीक हो सकें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के अंदर मेहमान होते हैं, दोस्त मौजूद होते हैं, पहले से दावत शुदा होते हैं ताकि जिस तारीख को आपको शामिल करने का हम तय करें उस दिन एक दो मेहमान कम करके आपको लाइव प्रोग्राम में शरीक कर सकें, आप हमें पहले से बता देंगे। ये इस तरीके से अच्छा हो जाएगा आपके हक में भी और हमारे अच्छे में भी, हमारे हक में भी, क्योंकि ये आप लोग जब जिक्र करेंगे यहाँ पे आके लाइव तो यकीनन आपका दिल एक ख़ास अंदाज में जिक्र कर सकेंगे। कातिब ने लिख दिया, मेरी किस्मत में या हुसैन, कहता रहूँगा जोश मवद्दत में या हुसैन, दुनिया तो मुश्किलात में कहती है या अली, दुनिया तो मुश्किलात में कहती है या अली, इस्लाम ने कहा था मुसीबत में या हुसैन, इस्लाम ने कहा था मुसीबत में या हुसैन। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इब्ने शबीब से चंद वसीयतें की, मासूम अलैहिस्सलाम ने चंद बातें फरमाईं इब्ने शबीब से। एक मरतबा फरमाया, यबना शबीब इन कुंता बाकियन ले शैन फब के लिल हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम। ए इब्ने शबीब, अगर किसी भी दुनियावी चीज़ के लिए रोना चाहो ना तो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम पर रोना। क्यों? फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कबश, क्योंकि उन्हें इस तरीके से ज़िबह किया गया जिस तरीके से भेड़ बकरियों को ज़िबाह किया जाता है। वकुतला माहु मिन अहले बैती समानियत आशारा रजुलन, और उनके साथ उनके अहले बैत से 18 बनी हाशिम को शहीद किया गया है। मा लहू फिल अर्द शबीहून, उन जैसी ज़मीन पर कोई शबीह ना थी, मिसाल ना थी। वल्लकद बकत समावात सब ओवल अरजून अल कत्ल ही, और उनके कत्ल पर 7 ज़मीनें और आसमान रोए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नोहा जाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम, अय्याज अब्बास कोटला चाकर से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। एर मौला री रसूलुल्लाह मदद। करबलाए मौला, बैनुल हरमैन, किल्लत वक्त का लिहाज रखते हुए मैं चाहूँगा आप अपना वक्त आप ही इस्तेमाल कीजिए, जिक्र अहले बैत से इब्तिदा कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। या अली, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम या अली, अस्सलाम वालेकुम तमाम मोमिनीन को मेरी तरफ से, तो चौदह की बारगाह में मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नबी को जमाना सलाम करता है, मेरे नबी को जमाना सलाम करता है, बस हुसैन है जिसको नाना सलाम करता है। एक और रुपये याद करना चाहता हूँ, करम हुसैन का मुझ पर मजीद हो जाए, मरूं तो लहद में मौला की भीड़ हो जाए, अजीब जज्बा है हर मातमे के माँ की यही कहती है, खुदा करे मेरा बच्चा शहीद हो जाए। जिला मैं एक नुआ 14 की बारगाह में नजराना दिया पेश करना चाहता हूँ। इनायत हो। गूंज तेरा में गरीबा में ये ज़ैनब की सदा, मेरा कोई ना रहा। गूंजती शाम में गरीबा में ये ज़ैनब की सदा, मेरा कोई ना रहा। ना रहे भाई
सकते छिन गई मेरी रिदा, मेरा कोई ना रहा गूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैना की सदा, मेरा कोई ना रहा आसरे जिसके बहन छोड़ के आई थी वतन, आसरे जिसके बहन छोड़ के आई थी वतन, मेरे पर्दे का जिसे माँ ने बनाया जामिन, लबे दरिया मेरे गाजी के हुए बाजू जुदा, मेरा कोई ना पूंजती शाम गरीबा में ये ज़ैना की सदा, मेरा कोई ना रहा वो जो अठारह बरस नूरी हिजाबों में रहा, वो जो अठारह बरस नूरी हिजाबों में रहा, लौट के आऊंगा मैं जिसने था सुगरा से कहा, हाय बरछी से कले जा मेरे अकबर का छिदा, मेरा कोई ना रहा मुझे शाम गरीबा में ये ज़ैना की सदा, मेरा कोई ना रहा मेरा गाजी भी गया कासिम अकबर भी गए, उर्सा मेहमान गया इब्ने मज़ाहिर भी गए, खल टेलीफोन कट गया। मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम करते रहें। बहुत प्यारा कलाम, बहुत प्यारी आवाज़, मौला आपकी आवाज़ में मज़ीद तासीर अता फरमाएं, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम करते रहें। ये थे हमारे साथ ज़ाकिर अहले बैत अलैहिम सलाम अय्याज़ अब्बास साहब कोटला चाकर पंजाब पाकिस्तान से, मौला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम करते रहें। मौला आपको जल्द करबलाए मौला आने का शरफ नसीब फरमाएं, जब भी आइएगा हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शरीक हो जाइएगा। मौला आपको इज़्ज़तें अता फरमाएं, अहले बैत अलैहिम सलाम का जिक्र हमारे लिए इज़्ज़त का सबब, अल्लाह ताला ये इज़्ज़त हमेशा हमें इनायत फरमाए, इसीलिए हम हमेशा करते हैं अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज।